कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद तेल बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार बाजारों में गिरावट जारी है। बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। इसी के तहत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, साथ ही साथ कांडला पोर्ट, इंटरनेशनल बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो आप वीडियो में खबर में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आप लोगों बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार कल 99 रुपए 100 रुपए के नीचे बाजारों में कामकाज होता हुआ, लोकल बाजारों में लगभग सवा साल के बाद लगभग 100 रुपए के नीचे बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया। पामोलिन का भाव भी 95 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल की अगर बात करेंगे 83 रुपए राइस ब्रान ऑयल का भाव रहा। मस्टर्ड ऑयल का भाव 102 रुपए तक बाजारों में कामकाज बोला गया। सोयाबीन सीड का भाव 5380 रुपए रहा। लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। कांडला पोर्ट की स्थिति अगर देखेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का भाव 885 रुपए, फॉरवर्ड 885 रुपए, पामोलिन का भाव 930 रुपए, 1 रुपए गिर के कामकाज हुआ। सोया रिफाइन का भाव 970 रुपए रहा। अगर सोया डीएम की बात करेंगे तो 880 रुपए फॉरवर्ड में, 870 रुपए सनफ्लावर ऑयल का भाव 1010 रुपए। सारे कांडला पोर्ट के भाव आपको बताएं, कांडला पोर्ट पर भी जबरदस्त गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। केएलसी की अगर बात करेंगे, केएलसी में कल सुबह एक जोरदार गिरावट आई थी लेकिन बाद में केएलसी -67 रिंगिट हो गए, केएलसी का बाजार बंद हुआ। आज भी जो केएलसी, आज अगर आप सुबह मॉर्निंग में केएलसी देखेंगे, जो मॉर्निंग में केएलसी खुली है -36 रिंगिट गिरावट के साथ ही केएलसी ओपन हुई। लगातार सीबॉट के बाजारों में, विदेशी बाजारों में गिरावट है। सीबॉट का बाजार आप देखेंगे लगभग 88 पॉइंट की सीबॉट के में गिरावट के साथ सीबॉट का बाजार भी बाजार बंद हुआ। उसका असर भी भारतीय बाजारों में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में लगातार उसका दबाव देखा जा रहा है। अगर बात करी जाए तो पिछले 12 महीनों में 13 के सारे फंडामेंटल पूरी तरीके से धराशायी हो गए। आज सोया तेल की लगभग अगर बात करेंगे तो सोया तेल की अगर बात करी जाए तो सोया तेल $1000 की मंदी के आसपास बाजार आ गया है। जो आप देखेंगे पिछले साल स्पॉट शिपमेंट में मई का भाव सीबॉट में 350 पॉइंट ऊपर था। अगर कल की बात करेंगे तो 1100 पॉइंट का डिस्काउंट है, यानी 365 दिन में अर्जेंटीना सीबॉट पर 1450 पॉइंट नीचे हो गया है। ब्राजील पिछले साल सीबॉट पर 450 पॉइंट का प्रीमियम था, जो आज 1100 पॉइंट का इस समय डिस्काउंट चल रहा है। यहां भी सोया तेल सीबॉट में 1550 पॉइंट नीचे की बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। अथेना ट्रेड विंड ने कहा है कि पाम सोया सन मंदे होने पर भी भारत में लिवाली में अभी भी बाजारों में भारत में उतनी बढ़िया लिवाली नहीं देखी जा रही है। सोया तेल लिवाली CIF और करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। भारत में दाम विदेशी पैरिटी से भी बहुत ज्यादा नीचे हो गए इस समय। यूक्रेन का एक्सपोर्ट कॉरिडोर चालू रहने में अभी भी संदेह है, इस कारण सन ऑयल इंपोर्ट दूसरे सोर्सेज की तलाश में है। यूक्रेन अप्रैल में जुलाई में 10 लाख टन सन ऑयल एक्सपोर्ट कर ले, इसमें अभी संदेह बना हुआ है। तो बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में अपने न्यूनतम स्तर पर बाजार आ गया। बाजारों में अगर यहां पर देखा जाए तो बाजारों में यहां से हल्की फुल्की आप लोगों को आने वाले समय में बाजारों में एक रिकवरी बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। चलिए जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 95 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 82 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपए। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5400 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5600 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5400 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5550 रुपए। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक विदेशी बाजारों को देखते हुए ट्रेंड निगेटिव है। बाजारों में अभी और भी गिरावट बाजारों में आ सकती है लेकिन बाजार अपने न्यूनतम स्तर पर चल रहा है। अगर बाजारों में आप यहां खरीदारी का मन बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो यहां पर आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना शुरुआत करके चल सकते हैं, क्योंकि मई मंथ में बाजारों में आपको धीरे से बाजारों में आपको रिकवरी एक अच्छी आती हुई बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।